दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि हरियाणा के पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा में जनसभाएं करके भाजपा को बुरी तरीके से लताड़ रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि जब हरियाणा में या देश में कांग्रेस का राज था या हरियाणा में 10 साल में मुख्यमंत्री था, तो देखो कि हमने क्या काम किए थे, हरियाणा में हमने कितने विकास कार्य किए थे, ये देख लो ना, ये गिनतियां हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में तुमने, यानी भाजपा सरकार ने, भाजपा मुख्यमंत्री ने क्या विकास कार्य किए, इसका हिसाब तो भाजपा को, हरियाणा की जनता को देना ही पड़ेगा। जनता को जिस तरीके से भाजपा नेताओं ने, चाहे वो राज्य के हों चाहे देश के हों, जिस तरीके के झूठे जुमलों में फंसाकर सत्ता हासिल की, लेकिन पिछले 10 सालों में हरियाणा की और देश की जनता इनके जुमलों की असलियत को पहचान गई है और परख लिया है कि जो असली विकास कार्य हैं वो तो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है, हम ही कर सकते हैं। मेरे मुख्यमंत्री काल में जो विकास कार्य हुए उसका 10 पैसे भी भाजपा ने विकास कार्य हरियाणा में नहीं किए, और ये मैं ताल ठोक कर कह रहा हूँ, और मेरे पास उसका पूरा हिसाब है कि 10 सालों में हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने कितने विकास कार्य किए थे। लेकिन आपकी भाजपा सरकार हरियाणा में पूरी तरीके से विफल रही है, इसलिए आज हरियाणा की जनता आपसे हिसाब मांग रही है, और आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों से, नेताओं से हिसाब मांगेगी कि पिछले 10 सालों में तुमने ऐसा क्या काम किया कि जिससे प्रदेश की जनता तुम्हें तीसरी बार सत्ता में आने दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा करते हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार का आना तय है और भारी बहुमत से आएगी, 70 पार सीटें 90 में से कांग्रेस की आने वाली हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा की जनता को भाजपा सरकार ने बहुत निराश किया है, और जो वादे किए थे उन पर भाजपा सरकार खरी नहीं उतरी है, इसलिए हरियाणा की जनता भाजपा सरकार के प्रति बहुत गुस्से में है, और वो आने वाले विधानसभा चुनावों में हरियाणा सरकार से पूरा हिसाब लेगी और कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेगी। नॉन स्टॉप हरियाणा कौन सा भाई, एक बात बताए, 10 साल हो गए सरकार को, एक यूनिट बिजली बनाई है? हमने 4 थर्मल कारखाने लगाए, 1 न्यूक्लियर का कारखाना लगाया, और सरप्लस बिजली छोड़ के गए थे। एक यूनिट बिजली बता दे भाई, फलानी जगह आपने करी है। हमने 81 किलोमीटर मेट्रो के बनाए, एक और लगाया तो बता दो। हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन और बनाई या मंजूर कराई, इन्होंने एक ही तो बनाई और करा, वो बता दो। हमने 12 सरकारी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, इन्हें एक बनाया तो बताओ। और हिंदुस्तान का कोई भी इंस्टीट्यूट आप नाम दें, IIM, एम्स, निफ्टम और ये निफ्ट, और आपका किसी का भी आप डिफेंस यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लो, IIIT, IIT, ये अपना लॉ यूनिवर्सिटी, इस प्रकार के यूनिवर्सिटी, इन्हें एक बनाई तो बता दो। किस बात की भाई,
एक बता दो, तुम तो साल रोज उनके पास जाते हो, एक तुम बता दो रोज पूछ के, वैसे तो पूछ के बता दो वो है। बता दो ना, एम्स का 12 साल के बाद अभी नींव का पत्थर रखा गया, जमीन का बीवी साहब भी। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरीके से भाजपा को घेर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जो हमने हरियाणा में विकास कार्य कराए, भाजपा पूरी तरह विफल रही है। लेकिन किसके दावों में कितना दम है, ये तो जब इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे और चुनाव परिणाम निकलेंगे तभी पता चलेगा कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावे कर रहे हैं उनके दावों में कितनी सच्चाई है और जनता उनके साथ कितनी दूरी तक चलती है, कांग्रेस को वोट देती है या तीसरी बार फिर भाजपा को सत्ता में लाती है, ये तो आने वाला ही समय बताएगा। लेकिन लोगों का मानना है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं किसी हद तक उनके दावों में दम है और सच्चाई नजर आ रही है और इसी वजह से कांग्रेस का पलड़ा आने वाले समय में राजनीतिक पंडित मजबूत बता रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।